हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डेहरी ऑन सोन में हैं और दो ब्लॉग ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है, एक जेम्स का और एक जो अपना एनटीपीसी है उसका। ठीक है, तो बाजार घूम रहे थे, दरअसल हम लोगों को भूख लग गई थी तो कोई अच्छा सा होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम लोग खा सकें, और इसी दौरान हमने सोचा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल फ्री टाइम है और एक अच्छे होटल के तलाश में हम लोग हैं यहाँ पर। इसी बहाने आपको जो डेहरी ऑन सोन का बाजार है स्टेशन से लेकर हाईवे तक, वो हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, अक्सर बचपन में हम यहाँ जाया करते थे, तो ये जो डेहरी का स्टेशन है, डेहरी ऑन सोन का, यहाँ से सभी रूट की ट्रेन वगैरह मिलती है। स्टेशन से ठीक उतर करके आप जैसे ही सामने आओगे तो आपको एक बड़ा सा मस्जिद मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर नमाज होती है और जुमे की नमाज भी यहीं पर होती है। एक बार मैंने इस मस्जिद में जुमे की नमाज भी अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है डेहरी ऑन सोन का। ये बोर्ड बहुत पुराना है, मैं बचपन से जब जाता था उस टाइम से मैं देख रहा हूँ। डिज़ाइन में कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है। बाकी मार्केट वगैरह की बात करें तो ये आप देख सकते हैं होटल सिद्धार्थ है, और इधर आगे एक मिनी हॉल भी हुआ करता था, त्रिमूर्ति या ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, वो शायद अभी से मुझे याद नहीं आ रहा, वो अभी बंद हो गया कि चालू है मुझे नहीं पता। और सामने दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ठेले वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर चाट समोसे सब कुछ मिल रहा है। सामने से बुलेरो आ रही है और ट्रैफिक भी अभी बहुत जाम है। देख सकते हैं हम लोग निकलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई वैसा होटल दिखा नहीं है। यहाँ पर एक पंजाबी का होटल था, पंजाबी भाई साहब का, जहाँ पर हम अक्सर जब भी डेहरी ऑन सोन जाया करते थे तो वहाँ पर खाना वगैरह खाते थे, तो क्योंकि उनका जो खाना होता है ना बहुत अच्छा होता है। वो लेफ्ट साइड में था, लेकिन आज शायद उन्होंने बंद कर रखा है या कोई वजह होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो अब नए होटल की तलाश में हम लोग निकले हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं। चलिए, वैसे भूख तो है नहीं, लेकिन फिर भी टाइम हो चुका है तो कुछ मिल जाता तो अच्छा ही होता। इधर देखिए, ये होटल विशाल है, इसके अंदर एक बार हमने विजिट किया है और सामने देख सकते हैं आप। दरअसल देखिए, हुआ ऐसा ना कि हमने वीडियो बनाया था जो चौक है ना, मेन चौक, उस चौक से लेकर के आपको पूरा राउंड यानी 360 डिग्री में पूरा डेहरी ऑन सोन का हमने ब्लॉग बनाया था। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो रॉ मटेरियल हमारा वीडियो था वो डिलीट हो गया। तो अब मैंने सोचा कि भाई कुछ पार्ट्स बचे हैं, 5-6 मिनट का क्लिप बचा था वीडियो बनाने में, तो अब वैसा सिचुएशन आए फिर या वो मोमेंट आए फिर जाएं और शूट करें तो मज़ा नहीं आता है। मैंने सोचा चलो जो बचा है उसी को ही डाल देते हैं। ये स्टेशन से ठीक लेफ्ट साइड से जो रोड निकल रहा है, ये आप पाली पोल होते हुए आगे मेन बाजार को ले करके जाएगा, और इसी रास्ते से आप जब निकलोगे ना आगे, ऊपर से एक रोड जा रहा है, जो ऊपर से जो रोड जा रहा है उसका मुझे अभी तक पता नहीं कि आखिर वो रोड जाती कहाँ से। अगर भाई साहब कोई आप लोग जो डेहरी से ऑन सोन से देख रहे होंगे वो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि ये जो रोड से हम जा रहे हैं ये आगे जा करके एक ऊपर से हाईवे है जो, वो कहाँ को जाती है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। ठीक है, कई बार गया हूँ लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो जो सामने देखिए आप मकान, इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे देखने को। और ये देखिए, ये जो इसी के बारे में पूछ रहा था, ये जो रोड है जो ऊपर से निकला ये कहाँ को जा रहा है। नीचे से हम इस साइड में आ जाते हैं, अभी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से उधर तो हम स्टेशन निकल जाएंगे और लेफ्ट साइड में इधर हम जाएंगे जो बीच में हाईवे पकड़ा देगा फिर आगे जा करके ऊपर में हाईवे, और उसी हाईवे से आप जा सकते हैं इधर सासाराम राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो उधर फिर आप चले जाइएगा औरंगाबाद होते गया होते दूर तक। ठीक है, वो सामने वाला जो हाईवे है उसी हाईवे को हम पकड़ेंगे, तो वो उधर से लोग जब आते हैं औरंगाबाद से तो उधर देख सकते हैं आप, वो उसी वाला रोड से आते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम यहीं से अब कट मारते हैं, क्योंकि चलिए अब शाम का वक्त भी हो चुका है हम लोगों का, तो सोच रहे हैं कि औरंगाबाद पहुंच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा लगेगा औरंगाबाद पहुँचने में, वहीं पर खाना वगैरह खा लेंगे अच्छे से, बिरयानी वगैरह, फिर घर चलेंगे, तो रात को खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा पलटी मार ही लेते हैं इधर से। ये देख सकते हैं अभी भी मेन हाईवे में हम चल रहे हैं, ये जो हाईवे है ये आपको दिल्ली, कलकत्ता, इधर गया, रांची तक जाएगी।
विजय दर्द की साइड जो हमें लेफ्ट साइड को हम घूमेंगे, ये लेफ्ट साइड ये आपको चला जाएगा सीधे औरंगाबाद मेरे को हाईवे में उतर देगा। और यही जो पुल है ना फ्रेंड्स, सोन पुल, ये बिहार का आई थिंक पहला दूसरा सबसे लंबा पुल है। पहले इसमें 96 पाया थे, अभी जो नया वाला बना 46 आई थिंक 46 या 47 यहाँ पर इसमें अभी पाया है। तो ये नया पुल बना है, इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों द्वारा निर्मित था, लेकिन वो भी काफ़ी मजबूत पुल है जो बगल में आप देख पा रहे हैं। ये वाला जो पुल है ये नया बना है, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। और उधर जो रेलवे पुल है वो आपको बगल में दिख रहा होगा, उधर रेलवे पुल वो भी अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। अभी अंग्रेजों का ज़माना जो पुल बनाया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया, एकदम से नया पुल बना दिया गया। अभी जो अंग्रेजों के ज़माने में जो बनाई गई पुल है उसको सिर्फ पाए आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, और उसके बगल में जो पुल है वो नया बनाया गया है। ठीक है, चलिए सफ़र हमारा चालू है। हमारी गाड़ी की रफ्तार यहाँ पर 70-80 आई थिंक के आसपास है, और चूँकि हम अभी ड्राइव कर रहे थे तो मैं सोचा बाद में वॉइस ओवर कर दूँगा और वीडियो आपको बना करके दे दूँगा। ठीक है, इस चैनल पर जनरली ब्लॉग ही आएगा, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में मैं घूमूँ, जब भी जाऊँ, जब भी जहाँ खाऊँ या कोई भी नया चीज़ वगैरह लूँ या जो भी नए लोकेशन दिखाने की बात करूँ तो यहीं पर आएगा, चाहे इंडिया से बाहर भी जाऊँ। जब चैनल ग्रो होगा तो देखेंगे, थोड़ा सा नीचे वाला व्यू दिखा देते हैं आपको, नीचे में जो काशी इसको बोलते हैं अपने तरफ, काशी जो देख पा रहे हो आप, काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिख रहा था। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुका, अगर चलो थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद दो चार फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, दो चार रील बनाते हैं, उसके बाद आगे की सफर भी जर्नी करते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग जो कि टेहरी ऑन सोन को हमने आपको दिखाया, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।